हाँ तो और मेरे भाई लोग, अगर क्या हाल चाल है आप सभी लोग, दोबारा से अपने भाई के एक और न्यू फ्रेश और कमाल की वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आप सभी को पता है कि पिछले वाली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि गाइस किस तरीके से तुम्हारा भाई का जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। एर भाई आप सभी का प्यार एंड सपोर्ट और भगवान की बहुत सारी कृपा और मेरी थोड़ी सी मेहनत की वजह से आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट से, मतलब क्या होता है यार, आप लोग जो थैंक्स है वो बहुत कम होता है। लेकिन भाई अब मैं क्या बताऊँ, थैंक्स आप सभी लोगों को जिन्हें आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करा और सपोर्ट करते रहना, तो मेरा जो चैनल मोनेटाइज हो चुका था। कुछ लोग बोल रहे थे भाई कितने दिनों में तेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ है, कुछ लोग भाई कितने यार महीनों में तेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो मैं आप सभी को पहले रियलिटी बताऊँ, ना झूठ बोलूंगा, तुम्हारा भाई का जो चैनल 2 दिनों में मोनेटाइज हुआ है एंड आप सभी को बता, जो मेरा टाइटल था आपको बताया कि 2 दिनों में ही हुआ है, वो 101% श्योर है। और उसके साथ आपको प्रूफ भी बताना है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, यूट्यूब की तरफ से मुझे मेल भी आया था। प्लस गाइस आप सबको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ना कि तुम्हारा भाई फेक चीज बता रहा है। एंड गाइस अगर आपको भी एक यूट्यूब चैनल या फिर आप सोच रहे हो भाई मेरे चैनल मोनेटाइज के लिए रेडी है, एंड गाइस अगर आप फ्यूचर में अपना चैनल मोनेटाइज कराते हो ना, तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक वॉच करना, क्योंकि देखो आपको बता होगा मैंने आज तक मोनेटाइजेशन के रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे उसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन आज तुम्हारा भाई का जो 2 दिन में चैनल मोनेटाइज हो चुका है, उसके बाद मैं आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। प्लस गाइस आप लोगों को ऐसा ऐसा करना है जिसके कहीं आपको जो चैनल है वो फटाफट से रिव्यू में से बाहर निकल के आपके पास आपका जो चैनल है फटाफट से आ जाए। क्योंकि उसका क्या होता है कि जो बड़े बड़े चैनल होते हैं, जिनके एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मनोज दे, आप लोगों को पहचानते हो उनको भाई, उनका जो चैनल 4 महीनों के बाद मोनेटाइज हुआ था। एंड भैया उनका जो चैनल था वो गेट रिव्यू में पड़ा हुआ था, मतलब समझ लो इतने टाइम लगता भैया किसी किसी चैनल पर, और भैया किसी किसी चैनल पर तो भैया 1-1 साल भी हो जाता है। तो गाइस यार मैं आपको जो ट्रिक्स एंड ट्रिप बताया अपनी तरफ से, उसको आप लोगों को पूरा फुल वॉच करना है। एंड आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को कोई थोड़ी सी वीडियो पसंद है या फिर कुछ भी नॉलेज मेरे पसंद है, तो भैया लाइक कर देना, क्योंकि आपका 1 लाइक सच बताना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो यह लाइक कर देना, और आज की वीडियो का लाइक हम रखने वाले 45 लाइक का, मुझे पता है 45 लाइक लाख का नहीं यार, ओनली लाइक का, मतलब 45 लाइक का, ठीक है ना। तो आप लोग कंप्लीट कर देना। एंड भैया अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो या फिर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करो, तो भैया सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइस आज के पॉइंट आपको मैं 2 चीज़ बताऊंगा, फर्स्ट और सेकंड जो बताऊंगा, 2 पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे कैसे आपका जो चैनल पर कुछ भी गड़बड़ी होने वाली संभावना नहीं है। एंड गाइस आप सबको बता दूं ना, आपको इन जो दोनों चीज़ें उनको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेन चीज़ है। एंड अगर आप एक चीज़ भी मिस करते हो ना, एक पॉइंट भी मिस करते हो, तो भाई आपका जो चैनल है वो गेट रिव्यू पड़ा रहेगा और हो सकेगा भाई आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। तो यार आज की कमाल की वीडियो का स्टार्ट, सबसे पहले हम बात करने वाले फर्स्ट पॉइंट की, वो क्या है गाइस, वो ये कि देखो आप सबको पता होगा कि सबर का फल मीठा होता है, वो यार रियलिटी इस बात में ये कि गाइस क्या होता है, हम जो है अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए रेडी करते हैं या फिर हमारे चैनल में थोड़ा बहुत टाइम बाकी रहता है, तो गाइस क्या होता है कुछ बंदे फटाफट से मतलब, और भाई मेरा तो आज कंप्लीट हो गया, मेरे को अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ चुका है, तो भाई अब जाके मैं अप्लाई करूंगा। लेकिन आप लोग वहीं पे गलती करते हो, क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब आपको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था। लेकिन भाई आप सभी का प्यार एंड सपोर्ट जो बना हुआ था ना यार, सच बताओ तो गाइस आप सभी का प्यार एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड उसी के साथ में गाइस जो तुम्हारा भाई का जो चैनल था वापस से मोनेटाइज हो चुका था, वो क्या हुआ था गाइस, देखो क्या होता है, जो मेरा वॉच टाइम वो कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब यूट्यूब स्टूडियो को, मतलब जो अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 24 आवर्स, मतलब बोले तो पूरे 2 दिन या फिर 1 दिन समझ सकते हो आप लोग, जितना गाइस आप टाइम दोगे भाई, मतलब समझना कि अगर आपके 4,000 से ऊपर ज़्यादा वॉच टाइम हो चुका है, तो आप एक तरह से अप्लाई हो जाते हो। मतलब गाइस अगर होता है ना भैया, थोड़ा बहुत ग्लिच हो जाता है कि भैया ज़्यादा होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, यूट्यूब का कोई भी फंडा आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो आप लोगों को भाई थोड़ा सा सब्र करना है, भैया आज हमारा 4,000 कंप्लीट हो चुका है, तो हमको 1 से 2 दिन और वेट करना है। और उसी के साथ में गाइस आपका जो मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता ना, तो आपको 2 दिन तक अपने मोनेटाइजेशन को इनेबल करके ऑफ करके रखना है, ताकि गाइस आपको जो CTR वो ऑफ मतलब बढ़ ना जाए, ताकि आपका जो एडसेंस है वो डिसेबल ना हो जाए, ठीक है ना गाइस। तो आप लोगों को ये बात को ध्यान रखना है। एंड उसी के साथ में आपको 2 दिन तक अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को ऑन नहीं करना है। तो ये फर्स्ट बात ये कि भाई इसको आपको ध्यान से समझना है। मैंने आपको जो बताया कि आपको हाई वाप नहीं करनी भैया, आज तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ऐसा नहीं करना है भैया, आपको 1 से 2 दिन तक वेट करना है, ताकि आपको जो है फालतू का जो वॉच टाइम रहे या फिर स्पैम करे वो अपने आप डिलीट हो जाए। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है, जब हमको 2,40,000 का जरूरत पड़ती है, जब मेरे पास 2,50,000 आ जाता है, और जब भैया मेरा जो है वॉच टाइम था भाई एकदम डाउन में था। तो आपको मेरी बात को ध्यान से समझना है, अगर आपको समझ में आए तो भाई एक बार रिवर्स कर सकते हो। तो गाइस आपको फर्स्ट पॉइंट को अप्लाई करना है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, और आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट को, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो क्या है गाइस, आप सबको ध्यान से सुना है, वो है कि भाई आप लोगों को अपने चैनल पर जाना है। एंड जाने के बाद आप सबको अपने चैनल पर देखना है कि आपके चैनल पर हैकिंग के कीवर्ड या फिर बोले हैकिंग के बारे में कुछ भी अपलोड नहीं है। क्योंकि कुछ बंदे क्या करते हैं भाई, व्यूज लाने के लिए या फिर बोलते हैं, जैसे आपको अभी पता है कि अगर आप पब्जी की वीडियो डालेंगे, पब्जी हैक कैसे करें, तो उस पर आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। और कुछ बंदे क्या करते हैं व्यूज पाने के लिए, ऐसे वॉच टाइम पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, तो ऐसी वीडियो डाल देते हैं एंड उसको रिमूव करना भूल जाते हैं। गाइस अगर आप चाहते हो कि भाई आपके चैनल में कुछ भी इतनी सी भी मतलब आपके यार लपटे ना रहे, या फिर बोले आपको जो चैनल एकदम घास में लिपटा पड़ा हुआ, अगर उसमें एक चिंगारी पड़ गया ना, तो आपका चैनल बर्बाद हो सकता है। तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके चैनल पर एक बार हैकिंग के बारे में कुछ भी ना हो, अगर हुआ तो भैया हो सकता है कि आपका चैनल अटका रहे, या फिर हो सकता है कि आ भी सकते हैं, इसमें कोई मतलब बोल सकते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, भैया होगा तो होगा, ऐसी कोई बात, लेकिन गाइस जो सही है उसको सही बोलेंगे। एंड ये आपको ये करना, और बेसिक में आपको बता दूं वो क्या है गाइस, आप सभी को जो अपनी प्राइवेट वीडियो उनको भाई देख लेना कि भाई प्राइवेट हमने क्यों करी थी, अगर उन पर ज़्यादा वॉच टाइम है तो उनको फटाफट डिलीट कर देना। अगर आपको लगता है भाई हाँ यार गलत वीडियो, उसको डिलीट कर देना चाहिए, तो आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी भाई, उतना नहीं 1 साल पूरा नहीं, लेकिन आपको जितना
करना मतलब उस टाइम चाहिए रहेगा उसको करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरी सारी वीडियो कंप्लीट है लेकिन हमने जो प्राइवेट वीडियो करी है उसको हमको डिलीट करना चाहिए फिर नहीं, तो आप सबको हो सके तो भी इसको मतलब अनलॉक कर देना, मतलब प्राइवेट से हटा के पब्लिक कर देना, या फिर चाहो तो भी इसको डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो वॉच टाइम वो भी कट जाएगा। तो बस कुछ बंदे क्या करते हैं अपने वीडियो को प्राइवेट रख लेंगे और बोलेंगे भाई मेरा तो वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, और मेरे यूट्यूब वाला बोल रहा है कि तुम्हारा तो वॉच टाइम ही कंप्लीट ना है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गाइस अपने एडवांस चीज़ की, वो क्या गाइस, वो है गूगल एडसेंस। आप सबको बता दो गाइस, देखो अगर जो सेकंड जो स्टेप रहता है वो रहता है आपका गूगल एडसेंस का। आप लोगों को क्या करना है, गूगल एडसेंस लॉगिन करने से पहले आप सबको ध्यान रखना है कि आप किस मेल से आईडी से करो, मतलब अपने चैनल की करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। एंड उसी के साथ में गाइस आप सबको देखना है कि आप जो एक एक चीज़ फिल करो वहाँ पर आपको एड्रेस का मांगेगा, उसके अंदर फोन नंबर मांगेगा, आपको उन बातों को ध्यान से मतलब एक एक अक्षर को आप भले 10-10 घंटे दे सकते हो, आपको जितना मतलब आप दिमाग लगा के देखना कि भाई हाँ यार हमने जो चीज़ डाली उसको सही तरीके से डाली है फिर गलत तरीके से, तो आपको ध्यान लगा करना भाई। अगर आपका एक भी कीवर्ड मतलब एक अक्षर भी गलत रहा ना भाई, तो आपका चाहे तो भाई वहीं पर अंडरव्यू पड़ा रहेगा या फिर बोले तो आपका चैनल मोनेटाइज ही ना होगा एक अक्षर की वजह से। तो आप आई होप गाइस आप सभी को मेरी वीडियो पसंद होगी। आप सभी को क्या करना है भाई, आपने जो एडसेंस अकाउंट उसको ध्यान रखना है कि आपके यार मतलब एडसेंस अकाउंट में हमने कुछ गलत चीज़ नहीं डाली, एक से दो बार या फिर 10 बार देखो तो भाई आपको दिमाग लगा देखना है कि हाँ भैया हमको पूरा मैचिंग करना है कि भाई एकदम परफेक्ट है, मोबाइल नंबर भी डालना है, आपको सब पता चल जाएगा यूट्यूब पर बहुत सारे ढेरों वीडियो अपलोड है। आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद होगी भाई, यार वीडियो लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर ना तो भाई सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो सब्सक्राइब कर देना एंड इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी नॉलेज के लिए भैया एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक भी कर देना। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम प्लस या ट्विटर पर फॉलो नहीं करता भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड यार बाय।